सबसे पहले मनोज जी, स्वागत है आपका फिल्मी बीट पे। क्या कुछ कहोगे? आपका हुनर अब दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है, कैसा आपको महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, क्योंकि जितना रिस्पांस मिला है उतने की तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी। अभी कई ऐसे लोगों के भी फोन आ रहे हैं जो शायद मैं कई साल पहले कभी मिला होऊंगा, तो या बचपन के जो फ्रेंड्स हैं उनके भी अब कॉल आने शुरू हुए, सब बधाइयां दे रहे हैं, तो सही अच्छा बात लग है, रहा है। रातों रात आप सेलिब्रिटी बन चुके हो। लोग जो है आपको ओवरनाइट जान रहे हैं। जजेस से आप मिले, जजेस ने आपकी तारीफ की, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? क्या आपको लगा था कि जजेस से इस तरीके का रिस्पांस मिलेगा, और उस वक्त आपको कैसा लग रहा था? हाँ, सही पूछो तो जब मैं ऑडिशन राउंड के लिए सिलेक्ट हुआ और स्टूडियो स्टूडियो राउंड में मैं गया, तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि तो जितने वहाँ कंटेस्टेंट आए हुए थे उनके एक, जब बाहर हर कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है तो एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किस लेवल का हुनर आ रहा है, तो वो देख के थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि मैं जो लेकर गया था वो बहुत उनके मुकाबले बहुत छोटे छोटे इफेक्ट थे, और कुछ जादूगर भी ऐसे ऐसे आए थे जो बहुत बड़े बड़े इफेक्ट लेके भी आए थे, तो उन सब के बीच में वो मेरे वो छोटे छोटे इफेक्ट भी जजेस को पसंद आए, तो एक हैरानी हो रही है और एक सपने की तरह लग रहा है, क्योंकि मैं खुद भी अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि वो इफेक्ट पसंद किए गए इतने, और जजेस ने इतना अप्रिशिएट किया, मिथुन दा ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया, तो अभी सपने जैसा ही लग रहा है। सही बात है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, आपसे पूछूँ कि आपने स्टार्ट कब किया था, कितनी उम्र से, और आपका इंस्पिरेशन कौन है जिसने आपको सिखाया, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहूंगी कि ये कब से आपका जो है हुनर आपको पता चला, आपने तलाश किया, और कब से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई? एक्चुअली मैम, बचपन में टेलीविजन वगैरह में जो सीरियल्स आते थे ना, रामायण महाभारत या और दादा दादी की कहानियाँ, जिसमें कुछ चमत्कारी किस्से कहानियाँ भी होते थे, तो वो चीज़ें हर हर बच्चे को अटैक्ट करती हैं, कि जैसे कोई हवा में उड़ रहा है, कोई इधर से गायब हुआ उधर अपियर हो गया, या हाथ ऊपर किया कोई तीर आ गया, तो वो चीज़ें कैसे होती हैं, ये जादू लगता है, तो वो अट्रैक्ट करती थी। और उस दौरान मेरे फादर ने एक बुक लेके आए थे, मेरे फादर को बुक्स का बहुत शौक है, तो मेरे और उनके कारण मुझे भी बुक्स की रीडिंग का शौक है, तो मैं जब छोटा था तो मेरे फादर जो बुक लाए 101 मैजिक ट्रिक्स के नाम से, तो उस बुक को पढ़ के उसमें जो ट्रिक्स तरीके सिखाए गए हुए थे, तो उनको मैंने प्रैक्टिस किया और अपने दोस्तों के बीच में दिखाना शुरू किया, तो दोस्तों ने अप्रिशिएट किया, तो उनका अप्रिसिएशन एक तरह से मुझे और इनकरेज करने लगा कि इसको इस चीज़ को मैं और आगे सीखूं, तो वो करते करते काफ़ी मैं और सीखता गया, लेकिन वो जुनून के लेवल तक जब सीखना शुरू किया तो मेरे फादर जो बुक लाए थे वो बुक उन्होंने फेंक दी, इवन मेरे जादू का सामान भी जो था कई बार तोड़ दिया, जला दिया, कि अरे ये कोई प्रोफेशन थोड़ी है, तो शौकिया तौर पे रख रहा है, तू तो इसमें सीरियसली हो रहा है, तो और उस 2009 में हमारे जो बिजनेस था मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसमें काफ़ी लॉसेस हो गए, तो उन लॉसेस के बाद फिर और कुछ काम करने के लिए जो पूंजी चाहिए थी या किसी भी काम में हाथ डाल रहे थे वो बात नहीं बन पा रही थी, तो बचपन के इस शौक को एज ए प्रोफेशनल सिर्फ एक्सपेरिमेंटल लेवल पे मैंने ट्राई किया, तो देखते हैं अगर कुछ बनी बात तो ठीक है, नहीं तो उसमें कुछ रिस्पांस मिलने लगा जो नौकरी से ज़्यादा उसमें बनने लगा मुझे, और 2015 में फिर मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की मैजिक प्रॉप्स को, आज जो भी देश में बड़े बड़े जादूगर स्टेज पे जादू दिखाते हैं उनके काफ़ी प्रॉप्स मैं मैन्युफैक्चर करने लगा हूँ, तो बस यहीं तक था, लेकिन कहीं ना इस काम को लेके रिश्तेदारी में अभी भी एक
संतुष्टि या खुशी वाला माहौल जो था वो नहीं दिख रहा था। सब यही कह रहे थे, अरे यार ये क्या काम है मदारियों वाला। तो वो जो एक नेगेटिव कमेंट्स थे वो मेरी, ऑब्वियसली किसी भी बच्चे के सामने अगर आप पेरेंट्स के बारे में कुछ कहोगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो फीलिंग जो बच्चों में आई और उन्होंने कहा कि नहीं ये काम घर में नहीं करना है, आप इसको छोड़ दो, तो बस मैं यही चाहता था कि जो तारीफें मैं अपने शो में हर रोज कमा रहा हूँ, क्योंकि तो मेरे बटुए में पैसे तो रोज घर में पहुंच रहे हैं शो से कमाए हुए, लेकिन वो तालियां मेरे बटुआ ले जाने में कैपेबल नहीं था। तो बस वो तालियां मेरे बच्चों तक पहुंच पाए उसके लिए हुनर बाज में ट्राई किया था भाई, चलो कुछ एक एप्रिसिएशन बच्चों तक पहुंचेगा, लेकिन इतना ज्यादा जबरदस्त रिस्पॉन्स आएगा उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। तो आई होप के वो ये रिस्पॉन्स मेरे बच्चों तक भी नजर में पहुंचे। और डेफिनेटली पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, और उनका भी फीडबैक बहुत जल्द आएगा। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि आपकी जर्नी जो है डेफिनेटली उतार चढ़ाव तो सबके जिंदगी में आते ही हैं, वो तो आम सी बात है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर मैं पूछूं, तो जैसे कि आपने कहा कि आपको बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बचपन के दोस्त और बाकी के लोग जो नहीं कॉल करते थे या फिर कहते थे, वो भी आज आपको जो है जान रहे हैं, वो भी फोन कर रहे हैं आपको। तो ये हुनरबाज बिल्कुल ने तो आपकी हुनर को पहचान लिया, तलाश कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन की, तो शो में एक, जैसे कि आपने कहा कि इतने सारे लोग हैं और कई सारे जादूगर भी हैं, तो इसके जी अलावा जी कंपटीशन आप किसको मानते हो, और आपको क्या लगता है आपकी जो जर्नी है ये कहाँ तक जा सकती है, और क्या आपको लगता है कि आप जो हो हुनरबाज का ये ट्रॉफी ले सकते हो या टॉप 3 टॉप 5 तक आ सकते हो, और कौन है आपका कंपटीशन जिसे आप मानते हो? मैम, अगर कंपटीशन की बात करें तो नो डाउट कंपटीशन तो टफ है, क्योंकि तो ऐसे ऐसे एक्ट आए हैं जो कि जिनका मुकाबला शायद ना ही कोई कर पाए, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं सब। तो हाँ, जादूगरों के बारे में इतना कहूँ, सच सच बताऊँ तो मैं कंपटीशन की भावना से आया ही नहीं, मैं सिर्फ सिर्फ उस शोर को क्रिएट करने आया था जो मेरे काम के प्रति एक नेगेटिव शोर था उसको दबा सके। तो मैं जीतूं या कोई और जादूगर जीते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कोई दूसरा जादूगर भी जीतेगा तब भी जीत जादू की होगी। मुझे सिर्फ जादू एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है ये बात समाज में लानी है, वो मेरे द्वारा आए या किसी और जादूगर के द्वारा आए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ जादू सही के कला के साथ जो अंधविश्वास जुड़े हुए हैं और जिस कारण से लोग इसको एक तरह से कभी कभी हेट भी करते हैं, वो चीज, वो फीलिंग अगर धीरे धीरे खत्म होती है, मेरे लिए वो सबसे बड़ी जीत है। बाकी हुनरबाज की अगर बात करें तो नो डाउट अगर आगे के राउंड्स में मैं जा पाता हूँ और जीत पाता हूँ तो ऑब्वियसली खुशी तो होगी, लेकिन कंपटीशन की बात करें तो मैं कंपटीशन सोच के आया ही नहीं। सही बात है। और जब आप खुद को टीवी पे देखते हो तो कैसा आपको लगता है, कैसा महसूस तब करते हो? अभी तक तो सपना ही लग रहा है मैम, सही अच्छा, पूछूं तो हुनरबाज में आने के बाद लाइफ कितनी बदली है, क्या कुछ कहना चाहोगे, वर्क वाइज, प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, कितना चेंज आपको लगा है कि आपकी जिंदगी में आई है एक शो से? हाँ, शो से मैम फर्क तो बहुत पड़ा है, क्योंकि जहां पहले कुछ लोग जानते थे अब लगभग पूरा देश ही जानता है। अब कहीं भी बाजार में निकलता हूँ तो लोग पहचानते हैं कि, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई मैम जब मेरी सिस्टर की मैरिज हुई थी, तो जब डोली में बैठते हैं ना तो मैं अपनी फैमिली के अंदर के बता रहा हूँ कि जादू के प्रति इतना नेगेटिव जो अप्रोच था, मेरी सिस्टर डोली में बैठते हुए ये कह के गई थी कि मनु पापा बहुत परेशान रहते हैं तो तू उनको परेशान मत करना, जादू छोड़ दे। और उसके बाद शायद मैंने काफी साल जादू किया भी नहीं, बिल्कुल छोड़ भी दिया था। और हुनरबाज में आने के बाद व्हाट्सएप पे
मेरी सिस्टर का मैसेज आया कि नाउ यू प्रूव्ड अस रॉन्ग। काफी इमोशनल है आपकी भावना से पता चल रहा है कि किस तरीके से आप जो है वो दर्द से गुजरे हो, फैमिली का सपोर्ट नहीं था लेकिन उसके बाद भी आपने जो है हार नहीं मानी, आप डट के लड़े लड़े और खुद का जुनून जो है उसे साबित किया, हुनर साबित किया, दुनिया को रॉन्ग प्रूफ किया। आज आप काफी खुश है कि आपकी बहन का मैसेज आया, काफी फक्र की बात है। वेल ऐसे ही आपकी फैमिली से भी रिस्पॉन्स आएगा और हम भी ये चाहते हैं जो नजरिया आप लेके आ रहे हो वो देश समझे और दुनिया जो है कोई भी प्रोफेशन हो कोई छोटा बड़ा नहीं होता और उसे उतनी ही इज्जत मिले जैसे कि बाकी के प्रोफेशंस को मिलती है। एंड हम तो यही चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आपका मैसेज लोगों तक पहुंचे और जो है आप top 3 top 5 तक आए और हम आपको काफी जो है विशेष दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो, भले वो आपकी फैमिली के लिए हो, समाज के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, आप क्या उनको कहना चाहते हो और क्या आपके दिल में क्या है, क्या भावनाएं हैं, क्या आप कहना चाहते हो हमारे ऑडियंस से भी? ऑडियंस के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, सबसे पहले तो सबका थैंक यू। और यही कहना चाहूंगा कि कोई भी जादूगर है या कुछ भी है तो वो भी एक नोबल प्रोफेशन है जिसको एक्सेप्ट कीजिए। ये कोई अलौकिक चीज या कोई तंत्र मंत्र जो एक अंधविश्वास वाला ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और अपने जादूगर मित्रों से भी मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि आपने सुना होगा जादू को एज एन आर्ट एस्टेब्लिश करवाने के लिए तो हर कोई कोशिश करता है, तो उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर नो डाउट ये एक इंटेलिजेंट आर्ट है लेकिन आर्ट के लिए सबसे जरूरी है आपका आर्टिस्ट के रूप में लोगों के सामने प्रोजेक्शन होना। मेरे कुछ जादूगर जो है नजर आते हैं, कुछ अपने एक्ट्स में इस तरह से बात करते हैं जैसे दे हैव सम सुपरनैचुरल पावर्स। तो जब तक आपके पास आर्ट नहीं होगा, सुपरनैचुरल पावर होंगी तो लोग आपसे डरेंगे और आपके प्रोफेशन को उतना रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट की तरह ही सामने आओ, करेक्ट, ताकि इस प्रोफेशन को लोग वो रुतबा वो सम्मान दे सकें जिसका ये हकदार है। सही बात है। ओके, थैंक यू सो मच मनोज जी हमसे बात करने के लिए। वी विश कि आपकी बातें लोगों तक पहुंचे, लोग इसे समझे और उस वो चीज दे, इज्जत दे और इसे समझे और ऑफ कोर्स कोई भी प्रोफेशन जैसे कि हमने सोचा छोटा बड़ा नहीं होता। वी विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट और हम चाहते हैं कि आप top 5 top 3 तक आए, आपका सफर हम बहुत लंबा देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, इट वॉज रियली प्लेजर टॉकिंग।